कोसी उपचुनाव में निरहुआ करसते हुए नजर आए। जी हाँ, बीजेपी की जमकर इन्होंने यहाँ पर प्रचार किया है। घोसी विधानसभा के बीजेपी विधायक फागू चौहान को बिहार राज्य का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी ने गरीब परिवार के युवा विजय राजभर को टिकट दिया है, जिससे राजभर परिवार में काफी खुशी है। यहां पर चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे निरहुआ। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता है दिनेश लाल यादव निरहुआ। घोसी विधानसभा में उपचुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जैसे ही पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि किसी सब्जी बेचने वाले के बेटे को टिकट दे सकते हैं। इस दौरान निरहुआ द्वारा अदरी नगर पंचायत से रोड शो निकालकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की गई। घोसी विधानसभा के बीजेपी विधायक फागू चौहान को बिहार राज्य का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी ने गरीब परिवार के युवा विजय राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया। इसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ घोसी विधानसभा क्षेत्र में निरहुआ पहुंचे और रोड शो निकालकर जनता से बीजेपी के कमल निशान पर वोट करने की अपील की। इस दौरान निरहुआ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य परिवार के लड़के को टिकट दिया है, इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि राजनीति में हर वर्ग से लोग आए और राजनीति में अपनी भागीदारी पेश करें। विजय राजभर आप सभी के बीच में संघर्ष कर रहा है, इसलिए आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ की जनता हमेशा विपरीत रहती है, लेकिन अब सरकार के साथ होकर विकास के साथ चलने की जरूरत है, इसलिए समाज के भले के बारे में सोचकर जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जनता को अपना वोट करना चाहिए बीजेपी को। तो यहाँ पर विजय राजभर के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए निरहुआ। आप देखने वाली बात होगी कि निरहुआ के प्रचार में कितना दम है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह के रिपोर्ट। जी, आज पूरा रोड शो है यहाँ पर, साथ में जनता से अपील करने आए हैं हमारे प्रत्याशी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके लिए, लोगों से अपील करेंगे। और एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने चुना है, परिवार से आते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसी हिसाब से कि समाज के हर वर्ग से लोग जो है आए राजनीति में आए और समाज का हर वर्ग जो है अपनी भागीदारी दे, इसी हिसाब से हमारे पार्टी ने और हम लोग जो है इनके समर्थन में रोड शो के दौरान क्या कहेंगे, रोड शो के दौरान विजय जी के लिए क्या कहेंगे? मैं विजय जी के लिए यही कहूँगा कि आपके बीच का एक व्यक्ति जो है इतना संघर्ष कर रहा है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप उनका साथ दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में जो एक प्रथा है, उस प्रथा को थोड़ा तोड़ने की जरूरत है कि सरकार के विपरीत ही रहती है हमेशा जो हमारी आजमगढ़ और गाजीपुर की जनता है, तो ऐसा ना करें। विकास के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को भी सरकार के साथ चलना चाहिए, ये निवेदन। जीत के पहले सिंह इनके सामने हैं। जी, जीत के पहले अखिलेश यादव ने साइन नहीं किया उनके पर्चे पे। कोई बात नहीं, उनका मैटर क्या है कैसे है वो तो मुझे, मैं नहीं जानता। हाँ, वो तो वही बता पाएंगे। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है, उनके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं। निरहु जी, कितना आप अभी तक पूर्वांचल को समझ चुके हैं, जबकि आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं सीएम, पूर्व सीएम के खिलाफ में? पूर्वांचल तो मेरा घर ही है, पूर्वांचल में पैदा हुआ हूँ मैं, अच्छी तरह से जानता हूँ पूर्वांचल को। पर वही बताया मैंने कि थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है कि लोग अपना भी भला देखें, खाली किसी एक व्यक्ति के भले के लिए मत सोचिए, पूरे समाज के भले के लिए सोचिए। और ऐसा सोचना है तो फिर आपको भी सरकार के साथ चलना चाहिए। सिर्फ कोई एक व्यक्ति का भला करना है तो फिर एक आदमी के पीछे चलिए। पूर्वांचल में जातीय समीकरण हावी है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? वही तोड़ना है, उसको खत्म करना है। अगर समाज में चाहिए कि विकास हो,
समाज में चाहिए कि सभी लोग आगे बढ़े, उसके लिए इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, जातिवाद की भावना से थोड़ा उठ के ऊपर उठ के और राष्ट्रवाद की भावना पे चलना होगा। कमलेश तिवारी हत्याकांड पे क्या कहेंगे? कमलेश तिवारी की हत्याकांड पे क्या कहेंगे जी? कमलेश तिवारी जो लखनऊ में हत्या हुई है उस पर क्या कुछ है? बहुत दुखद है और ये इस तरह की कोई भी घटना होती है तो सबके लिए दुख का विषय होता है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी है, जो भी ये किया है, उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उसके बाद जो है इस तरह की घटना करने के बारे में कोई सोचने से पहले कहाँ पे जाए। अयोध्या मंदिर पे क्या कहेंगे? अयोध्या मंदिर पे सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि कानून ही बता पाएगा क्या निर्णय आया है। वो कानून का निर्णय जो होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। जी एक सवाल जी, बाहुबली विधायक मुक्तानंद अंसारी के बेटे कारतूस और हथियार का जखीरा बरामद हुआ, क्या कहेंगे? हाँ तो वो तो जैसे पिस्टल मिला है, कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। किसी के भी अगर हमारे देश में किसी भी नागरिक के पास गैर कानूनी चीजें कुछ होती है तो उसपे कानूनी कार्रवाई होती जी। थैंक यू। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।